दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बता दें। आप लॉकडाउन में कुछ अर्निंग करना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन आपके लिए होने वाली है। आपको बता दें कि इसमें अगर आप 10 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 9 टाइम्स के अकॉर्डिंग आपको 90 रुपये मिलेंगे। अगर आप यहीं पर 200 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके 9 टाइम्स के हिसाब से आपको 1800 रुपये मिलेंगी। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको लॉकडाउन में बोर हो रहे हैं तो आप यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं मेकाओ के स्टडी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसे ही आपने कल की वीडियो देखे हैं, दैनिक जागरण पत्रिका में ये न्यूज़ पब्लिश हुआ था कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, लेकिन फाइनल ईयर के जो है अभी क्लियर नहीं किए गए हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव लिए जाएंगे या फिर उनके रिटर्न लिए जाएंगे। इस न्यूज़ को काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे गलत सेंस निकाल के उसका जो है मतलब नहीं उसका समझ पाए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन जो है पहले ऑब्जेक्टिव बोले हैं फिर से यहाँ पर रिटर्न बोलने लगे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक जो है बोर्ड ने ये डिसाइड नहीं किया है कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन जो है ऑब्जेक्टिव लिए जाएंगे या फिर रिटर्न लिए जाएंगे। लेकिन जैसा कि हमारे प्राविधिक शिक्षा परिषद के सेक्रेटरी आलोक कुमार जी बता रहे थे कि तीनों ईयर का जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ दैनिक जागरण पत्रिका में निकल के सामने आई है कि अभी बोर्ड ने ये डिसाइड नहीं किया है कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन जो है ऑब्जेक्टिव लिए जाएंगे या फिर रिटर्न लिए जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे बता दिए गए हैं कि ऑब्जेक्टिव लिए जाएंगे बाई होम। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशान हैं। मैंने कमेंट बॉक्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रीड किया है और सभी लोगों के कमेंट मैंने देखे हैं और जिसका रिप्लाई हो पाया है मैंने कमेंट सेक्शन में ही दे दिया है। लेकिन आप लोग सभी लोग स्टूडेंट्स को बताना था कि ये जो है आप लोग पैनिक ना होइए जितने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अगर पैनिक होंगे तो आप लोग जो है नेक्स्ट सेमेस्टर का जो है प्रिपरेशन अच्छे तरीके से यहाँ पे कर नहीं पाएंगे। तो मैं यही आप लोग बताना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वे जो है यहाँ पे बिल्कुल ही परेशान ना हो। आप लोग जो है अपने प्रिपरेशन पर फोकस करिए और किसी भी तरीके से यहाँ पे किसी भी र्यूमर किसी भी यहाँ पे अन्य अफवाह में जो है आप लोग मत आइए। आप लोगों को मैं क्लियर कट यही बताना चाहूँगा कि फाइनल की एग्जामिनेशन जो है अभी तक बोर्ड ने यहाँ पे क्लियर नहीं किए हैं ऑब्जेक्टिव लिए जाएंगे या फिर रिटर्न लिए जाएंगे। जैसा भी सिचुएशन यहाँ पे आप लोगों को कोरोना का दिखाई देगा आगे उसी तरीके से जो है यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। अगर माहौल सही रहेगा तो यहाँ पे आप लोगों के रिटर्न एग्जामिनेशन लिए जा सकते हैं, अगर माहौल सही नहीं रहा तो आप लोगों के भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एग्जामिनेशन लिए जाएंगे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की तरह। ठीक है, सो दोस्तों फाइनल के स्टूडेंट्स एंड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अपना प्रिपरेशन करते रहिए। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा। सो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।